राहुल गांधी एक बार फिर से न्याय यात्रा पर निकले हैं और इस बार बिहार झारखंड भी शामिल है। ऐसे में हमारे साथ राकेश जी हैं, राकेश जी से जानते हैं। राकेश जी, कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर यात्रा निकाली जा रही है, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? ये कांग्रेस की विदाई यात्रा है। किस बात की यात्रा पर निकले हैं? कौन सा न्याय चाहिए इनको? क्या देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद की गोद में झोंकने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता न्याय यात्रा पर निकलते हैं? बरसों तक देश को आतंकवाद और भ्रष्टाचार के आगोश में रखने वाले ये लोग हैं। कौन सा न्याय चाहिए? क्या यही न्याय चाहिए कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण दिया गया, उसको ठुकरा दिया, इसके लिए न्याय चाहिए? किस बात का न्याय? कौन सा न्याय? पूरे देश में राम राम हो रहा है, रामलला के प्रतिष्ठा की बात हो रही है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, और चले न्याय मांगने। कौन सा न्याय चाहिए आपको भाई? न्याय महंगाई का न्याय चाहिए, इनको रोजगार का न्याय चाहिए, पीएम ने जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी का, उसका न्याय चाहिए, तो फिर आपको आपत्ति क्यों है? प्रधानमंत्री ने महंगाई पर कंट्रोल किया, लगातार 2 वर्षों तक कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जब जूझ रहा था, भारत के लोगों को जान बचाने का काम, महंगाई को कंट्रोल करने का काम आप देखे हैं। पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में क्या स्थिति हो गई? श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग रहे थे, कौन सी स्थिति हो गई थी? वह स्थिति भारत में नहीं आई, उससे बचाने का काम किया। कांग्रेस अगर होती तो भारत शायद उजड़ गया होता। मतलब जनता के पैसे से ही सब बचाना? देखिए जनता सब कुछ जनता के 121 रुपए है सिलेंडर हुआ करता जनता था। सब कुछ 1100 रुपए सब कुछ जनता के हाथ में ही है, जनता ही सब कुछ करती है। पैसा कहाँ से आता है? पैसा का फ्लो आप देखते हैं तो पैसा जो जनता लगाती है उसी को फिर सरकार के खजाने में गया, सरकार के खजाने से फिर जनता के पास आया। ये तो जनता जो टैक्स देती है, हम साहब जो टैक्स देते हैं उसी से सरकार चलती है, अधिकतर तो टैक्स से ही चलती है। तो पहले ऐसे ही चल रही, लेकिन ऐसे नहीं चल रही थी कांग्रेस के समय, याद होगा भ्रष्टाचार चरम पर था, 2G 4G पता नहीं कितने जी घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, जमीन से लेकर आसमान तक का घोटाला हुआ। क्या नरेंद्र मोदी के सरकार में कोई घोटाला हुआ? क्या किसी मंत्री पर कोई आरोप लगा? क्या इनके सारे मंत्री, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को छोड़ के सारे मंत्रियों पर घोटाले के चार थे, वित्त मंत्री को जेल जाना पड़ा। ऐसी सरकार जिसमें सारे के सारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब बेल पर हैं, सब पर जमीन घोटाले का, किसी न किसी घोटाले का चार्ज है। लेकिन हमारी पार्टी में बताइए कोई एक मंत्री जिसके पर घोटाले का चार्ज हो। ये कौन सी न्याय यात्रा पर निकले हैं? किस बात का न्याय चाहिए? ये न्याय चाहिए कि देश को लूटने का काम किया, देश को लूट करो न्याय यात्रा पर निकले हैं? 100 बिल्ली खा के चूहे चल हज को। तो आप साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि उनकी न्याय यात्रा बिल्कुल विफल है? बिल्कुल विफल है। न्याय किस बात का चाहिए? कौन सा न्याय चाहिए? इसीलिए कि इनको 10 वर्षों से देश की जनता ने सत्ता से बाहर किया है, फिर से सत्ता इनको दे दिया जाए कि भारत का जो नरेंद्र मोदी ने जो साख बढ़ाया है, जो आर्थिक स्थिति को ठीक किया है, जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है, आतंकवाद मुक्त बनाया है, नक्सलवाद मुक्त बनाया है, फिर से शुरू करने के लिए इनको चाहिए? इसी बात का चाहिए इनको न्याय कि ये सब फिर शुरू किया जाए? देश की जनता इस बार अच्छे से न्याय करने वाली है, सुपड़ा साफ करने वाली है कांग्रेस का। कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। कांग्रेस जैसी धोखेबाज पार्टी, भ्रष्ट पार्टी इस देश में कोई पार्टी शायद कोई होगी। देखा आपने साफ तौर पे न्याय यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ओपिनियन है जो साफ तौर पे कह रही है कि आखिर राहुल गांधी किस चीज़ की न्याय मांगने निकले हैं। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, News24 पटना। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।